मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ क्लास प्लस टू फ्रॉम द यूनिट सॉल्यूशन और इस लेक्चर के अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वेपर प्रेसर हम इसको डिफाइन करेंगे कि वेपर प्रेसर ऑफ ए लिक्विड इज द प्रेसर एग्जर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा उसके वेपर्स के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर इक्विलिब्रियम स्टेज पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो प्रेसर अप्लाई किया जाएगा उसे वेपर प्रेसर बोलेंगे इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं एक वेसल ले लेते ले हैं इस तरह से इंसुलेटेड वेसल है और इसके अंदर हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड ले लिया स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर कोई भी वेपर्स नहीं होंगे इसलिए मैनोमीटर के दोनों लिम्स में मर्करी का लेवल सेम होगा फिर क्या होगा लिक्विड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा हुआ है इसलिए कुछ मोलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे और कुछ मोलिक्यूल जब लिक्विड के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो वापस यहाँ पर लिक्विड में चेंज हो जाएंगे तो इस तरह से होते होते एक, एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वेपर फेज में जा रहे हैं उतने ही वेपर वापस लिक्विड में चेंज हो जाएंगे और उसे हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम स्टेज है इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर भी यहाँ पर वेपर्स प्रजेंट हैं और इन्हीं वेपर्स के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा इस प्रेशर को कैसे मापेंगे मैनोमीटर के द्वारा मापेंगे मैनोमीटर के अंदर मर्करी का लेवल राइज होगा जिससे हमें वेपर प्रेसर का पता चलेगा अब हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो वेपर प्रेसर को अफेक्ट करेंगे तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड नेचर ऑफ लिक्विड किस तरह से अफेक्ट करता है नेचर ऑफ़ लिक्विड अलग अलग लिक्विड के अंदर अलग अलग तरह का फोर्सेज होता है अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेपर्स आर फॉर्म्ड एंड मोर इज़ वेपर प्रेशर। अगर मोलिकुल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है तब ज़्यादा मोलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे और जितने ज़्यादा वेपर्स होंगे उतना ही वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा अगर इसका उल्टा है स्ट्रोंग इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो कम वेपर्स बनेंगे और वो कम वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते ले हैं डाई इथाइल इथर और इथाइल एल्कोहल का डाई इथाइल इथर के अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और इथाइल एल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ऐसे एक इथाइल एल्कोहल का मोलिक्यूल दूसरे इथाइल एल्कोहल के मोलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा और इथाइल इथर के अंदर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है जो वेरी वीक होती है इसलिए इथाइल इथर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा इथाइल एल्कोहल से नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर हायर द टेम्परेचर ग्रेटर द वेपर प्रेशर विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर कानेटिक एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल इंक्रीज़ सो मोर मोलिक्यूल गोज़ इन टू वेपर फेज एंड वेपर प्रेसर इनक्रीज जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेसर बढ़ता है क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जिसके कारण ज़्यादा मोलिक्यूल वेपर फेज में जाते हैं और वो ज़्यादा वेपर प्रेसर एग्जर्ट करते हैं जैसे हम वोटर का एग्जाम्पल ले लें हमने वोटर को 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है तो वेपर्स किस में ज़्यादा बनेंगी 100 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा बनेंगे क्योंकि टेम्परेचर हमने इनक्रीज़ कर दिया जिसके कारण मोलिक्यूल की कनेटिक एनर्जी बढ़ गई और ज़्यादा मोलिक्यूल वेपर फेज में जाना शुरू हो गई अब हम इस लेक्चर के अंदर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं राउट्स ला जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इस यूनिट के अंदर दो ला है, हैं हैंनरी ला और राउट्स ला हैंनरी ला हम डिस्कस कर चुके हैं अब हम राउट्स ला डिस्कस करेंगे राउट्स ला भी दो केसेस होते हैं एक तो वोलेटाइल सोल्यूट के केस में और दूसरा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के केस में सबसे पहले हम ले रहे हैं राउट्स ला फॉर वोलेटाइल सोल्यूट राउट्स ला दिया था एक फ्रेंच केमिस्ट एफ एम राउट्स ने और 1886 के अंदर दिया था ये ला क्या कहता है कि ए सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ़ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट कि एक सोल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा उस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से जो प्योर स्टेट में लिया जाएगा हमने मान लिया कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर दो कंप्लीटली मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड हैं ए और बी और सबसे पहले हमने ए कंपोनेंट के ऊपर राउट्सला अप्लाई किया तो वेपर प्रेसर ऑफ कंपोनेंट ए जिसे हमने पी ए के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया ये किसके बराबर है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए जिसे हमने एक्स ए के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया और इसी कंपोनेंट का वेपर प्रेसर प्योर स्टेट के अंदर जिसे हमने पी ए नोट के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया अब हम दूसरे कंपोनेंट के ऊपर प्राउट्सला अप्लाई करें हैं तो पी बी किसके बराबर होगा एक्स बी इंटू पी बी नोट के बराबर होगा टोटल वेपर प्रेसर जैसा कि डाल्टन ने बताया था इसको हमने पी के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया ये किसके बराबर है सम ऑफ पार्शियल प्रेसर ऑफ कंपोनेंट के बराबर है पी ए प्लस पी बी के बराबर है और इस इक्वेशन के अंदर हम पी ए और पी बी की वैल्यू पुट कर देते हैं अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्स ए दिया हुआ है अगर मोल फ्रैक्शन को देखें तो एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होगी वन के बराबर होगी और यहाँ से एक्स ए कैलकुलेट करें तो वन माइनस एक्स बी के बराबर होगी और एक्स ए की वैल्यू हमारे पास आ गई वन माइनस एक्स बी जो हमने यहाँ पर पुट कर दी अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर पी ए है वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ए नोट हो जाएगा माइनस एक्स बी है यहाँ पर और पी ए नोट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया अब और प्लस में एक्स बी इंटू पी बी नोट हो गया अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एक्स बी है यहाँ पर भी एक्स बी है लेकिन ये माइनस का है ये प्लस का है अगर हम पहले प्लस वाला ले लें फिर माइनस वाला ले लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो हमने यहाँ पर इस तरह से ले लिया अब इसमें भी एक्स भी है इसमें भी एक्स भी है तो हमने यहाँ से एक्स बी कॉमन ले लिया और तब हमारी यहाँ से ये इक्वेशन बन गई और अगर इस इक्वेशन से देखें हम तो जो टोटल प्रे, वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के साथ वेरी कर रहा है और इसलिए हमने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में तो सबसे पहले अगर हम कंपोनेंट वन के लिए देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मोल फ्रैक्शन जीरो के बराबर है और इस तरह से इधर आ रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रही है और वेपर प्रेशर भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है अब हम सेकंड कंपोनेंट के लिए लेते हैं बी के लिए तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर जीरो है और वेपर प्रेशर वेरी लो है और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ पर वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है और जब मोल फ्रैक्शन वन के बराबर हो जाती है तो उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दें यहाँ पर तो ये टोटल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा और हम कह सकते हैं कि पी किसके बराबर होगा पी ए प्लस P, B के बराबर होगा और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो ग्राफ़ है वो एक तरफ से नीचे की तरफ है और एक तरफ से ऊपर की तरफ है यहाँ पर तो इस तरह से ग्राफ क्यों आया है यहाँ पर क्योंकि एक सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट सोल्यूट लेस अमाउंट में होता है सॉल्वेंट मोर अमाउंट में होता है और इसलिए हमारा ग्राफ इस तरह से आता है अब हम कुछ मेन पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने कर रहे हैं राउट्स ला से रिलेटेड और सबसे पहला पॉइंट है कि राउट्स ला इज़ एप्लीकेबल इफ़ टू कंपोनेंट फॉर सॉल्यूशन सोल्यूशन राउट्स ला तभी एप्लीकेबल होता है जब दो कंपोनेंट एक सोल्यूशन बनाते हैं और ध्यान में रखना है कि कंपोनेंट वोलेटाइल होने चाहिए और कंप्लीटली मिसिबल होने चाहिए जो वेपर प्रेसर मोल फ्रैक्शन डायग्राम है इसमें एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मोल फ्रैक्शन हैं और ये लिक्विड फेज के अंदर हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लिक्विड पेयर दैट ओबे राउट्स ला आर कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन यहाँ पर भी ध्यान में रखना है कि एक नई ट्रम आई है आइडियल सोल्यूशन और जो लिक्विड पेयर राउट्स ला को ओबे करते हैं उन्हें हम आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं जैसे बेंजीन प्लस टोलिन एक आइडियल सोल्यूशन है हेगजेन प्लस हेप्टेन एक आइडियल सोल्यूशन है नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद सोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम पार्शियल प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट जो कम्पोजन है वेपर फेज के अंदर वो पार्शियल प्रेशर से कैलकुलेट की जाएगी जैसे हमने मान लिया कि एक सोल्यूशन है जिसके दो कंपोनेंट हैं ए और बी तो ए कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को हमने वाई ए के द्वारा रिप्रजेंट कर दिया क्योंकि हम यहाँ पर वेपर प्रेसर की बात करें इसलिए मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वाई सिंबल यूज किया है तो मोल फ्रैक्शन पता ही है कि, कि किसके बराबर होगी नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड माई टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पर पार्शियल प्रेसर ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड में टोटल प्रेसर और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पी ए डिवाइड में पी टोटल अब हमने सेकंड कंपोनेंट के ऊपर अप्लाई किया तो वाई बी किसके बराबर है पी बी डिवाइड में पी ए प्लस पी बी के बराबर है और इसको कह सकते हैं कि पी बी डिवाइड में पी टोटल के बराबर है अगर हमने यहाँ से पी ए करना है तो इस पी टोटल को उठाकर बराबर से इधर ले आएंगे और तब हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी और इस इक्वेशन से हम ए कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे इसी तरह से अगर हमने पी बी कैलकुलेट करना है तो पी टोटल को उठाकर हम इधर से ले आएंगे और हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि डिपेंडिंग अपॉन द वेपर प्रेसर ऑफ प्योर कंपोनेंट टोटल वेपर प्रेसर ओवर सोल्यूशन में इंक्रीज और डिक्रीज विद इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इनक्रीज़ या डिक्रीज होगा विद इनक्रीज ऑफ मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रही है केवल लेकिन टोटल वेपर प्रेशर इनक्रीज़ भी होगा डिक्रीज़ भी होगा कैसे इनक्रीज और हो, डिक्रीज होगा देखो इस तरह से मोल फ्रैक्शन की वेरिएशन है यहाँ पर जो इनक्रीज हो रही है यहाँ पर लेकिन अगर हम वेपर प्रेसर को देखें तो जब हम पी ए से पी बी की तरफ जाएंगे तो ये इनक्रीज होगा और अगर हम इसका उल्टा पी बी से पी ए की तरफ आएंगे तब ये डिक्रीज होगा और ये कुछ मेन पॉइंट्स थे राउट्स ला से रिलेटेड थैंक यू